नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन करेंगे। वहीं अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय होंगे। आदेश के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने कहा कि हम कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमने हमेशा मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। निजता की रक्षा हर कोई चाहता है। निजता के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं जिनका हनन कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र के प्रति सख्ती दिखाते हुए कहा कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छूट हासिल नहीं कर सकती। कोई भी चीज न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। इस मामले में केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए था। पूरी जानकारी के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले में 3 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज करेंगे। बेंच ने इस मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, पहली नजर में केस बन रहा है, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर जांच हो। इससे पहले बेंच ने कहा था कि वह उन रिपोर्टों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करेगी, जिसमें सरकार पर राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। मामले में कुछ पत्रकारों, राजनेताओं और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने 3 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने के लिए जाने माने विशेषज्ञों को चुना है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब इस मामले को 8 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने सरकार को जवाब देने का काफी मौका दिया। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जवाब नहीं दे सकते। साफ है कि बीजेपी सरकार को छुपाना चाहती है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट की ओर से बनाई गई इस कमेटी की जांच के बाद देश को न्याय मिलेगा। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊंचा है, उनमें संतुलन भी जरूरी है। तकनीक पर आपत्ति सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, प्रेस की आज़ादी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। उनको सूचना मिलने के स्रोत खुले होने चाहिए, उन पर कोई रोक ना हो। कोर्ट ने केंद्र के प्रति सख्ती दिखाते हुए कहा कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छूट हासिल नहीं कर सकती। कोई भी चीज न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। इस मामले में केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।